एक बार पहले इनसे निपट ले और फिर वैकल्पिक राजनीति की जमीन दम तराशते रहेंगे, लेकिन संविधान तो पहले बचा ले। मोदी योगी और अमित शाह से तो निपट ले। वरना मंसूर की तरह किसानों की छाती पर दागने के लिए गोलियां तैयार है। आज भी जो बिल इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, हफ्ता हुआ है हमको एमपी से आकर, भारत बंद के कॉल में पार्टिसिपेट होने के चलते 6 दलितों को गोलियां मारी गई मध्य प्रदेश में। शिवराज की सरकार ने 6 दलितों को मार दिया, 6 में से 5 पीड़ित परिवारों को मिलकर आ रहे हैं, उसमें से 90% केस में एक भी अक्यूज की आज दिन तक गिरफ्तारी हुई नहीं। यह है गुजरात मॉडल। मुआवजे का एक पैसा मिला नहीं और भाड़ में गया मुआवजा। जिनको मार दिया उनके माता पिता आज भी उस खौफ में जी रहे हैं कि जब अदालत में जाएंगे तो हमारी भी पिटाई होगी। और बावजूद उसके एक छोटे से कांस्टेबल को भी वहां पर उनकी सुरक्षा के लिए तैनात नहीं किया गया। और फिर 56 इंच के सीने का दावा करकर नीले रंग का कुर्ता पहनकर बाबा साहब की बड़ी लंबी वाली मूर्ति ढूंढकर 14 अप्रैल को माला अर्पण करने जाएंगे। फेंकू महाराज, यदि सचमुच आप एट्रोसिटी के कानून को बचाना चाहते थे तो 2 अप्रैल के बंद के दौरान 11 लोगों को मरने क्यों दिया भाई? उसके पहले आपको अनाउंसमेंट करना चाहिए था कि एट्रोसिटी का कानून को हर कीमत पे बचाएंगे, उसको संविधान की 9वीं अनुसूची में डालेंगे, उसका गैजेट नोटिफिकेशन निकालेंगे और दलित और आदिवासी को आश्वस्त करेंगे कि चिंता मत करिए। ये कहना था ना आपको, ये करना था ना आपको। अब तो 11 लोग मारे गए और अब बिल लेकर आए हैं। जब तुम्हारे पास दिल ही नहीं तो तुम्हारे बिल का क्या करेंगे? कभी कभी हम सोचते हैं कि एक ऐसी विचित्र परिस्थिति का निर्माण हुआ है। गुजरात मॉडल, गुजरात मॉडल, गुजरात मॉडल, इतना पक गए हम तो गुजरात में, इतना ढिंढोरा पिटा गया। आप यकीन नहीं करेंगे, गुजरात में भी सैकड़ों नहीं हजारों की तादाद में किसानों ने आत्महत्याएं की है, लेकिन अपने पूरे पॉलिटिकल करियर के दौरान जीवन में कभी मोदी जी ने आत्महत्या करने वाले एक भी किसान परिवार की मुलाकात तक नहीं ली। क्या था उनका दावा? किसानों की आय को दुगनी करेंगे। बहुत हुआ किसानों पे अत्याचार, अब की बार मोदी सरकार का, तो कीजिए आय दुगनी। मोहन भागवत ने ना कहा है, मुकेश अंबानी ने रोका है, किसने रोका है आपको? हमने रोका है। किसानों की आय दुगनी करने की बात तो छोड़िए, पिछले साल 12,500 से ज्यादा किसानों ने मोदी जी की आंखों के सामने सुसाइड किए, एक घर में भी देखने नहीं गए। मंसूर के किसान जब सड़कों पर उतरे, वहां पर भी 8-10 किसानों को मार दिया। और उस आंदोलन के दौरान जिन किसान नेताओं ने, जिन फार्मर्स लीडर्स ने आंदोलन किया, उनके ऊपर भी फर्जी मुकदमे दर्ज हुए। आज भी वो मुकदमे वापस नहीं लिए गए। तो किस मुंह से आप कह रहे थे कि बहुत हुआ किसानों पे अत्याचार, अब की बार मोदी सरकार? 2 करोड़ युवा को रोजगार का प्रॉमिस दिया, हर साल 2 करोड़ रोजगार खड़ा करेंगे।
कितने साल हुए? 4.5 साल हुए। अब तक उनको 9 करोड़ युवा को रोजगार देना था, 9 करोड़, उसका 1% होता है 9 लाख। साला 1% लोगों को भी ये आदमी रोजगार नहीं दे पाया और 56 इंच के सीने की बात कर, 1% लोगों को रोजगार नहीं दे पाया, 1%। सूरत का, अहमदाबाद का, बड़ौदा, राजकोट, जामनगर, गांधीनगर, कोचीन, त्रिवेंद्रम, चेन्नई, बेंगलोर, पुणे, मुंबई, दिल्ली, चंडीगढ़, ये सारे अर्बन यूथ को ऐसा लगा कि अब ये आदमी आया है जो इन्वेस्टमेंट लाएगा, जॉब्स क्रिएट करेगा, सरकारी नौकरियों में भर्ती होगी। चूना लगा दिया, चूना। जानना चाहेंगे केवल दिल्ली के अंदर जीएसटी और नोटबंदी के बाद 1800 फैक्ट्रियां बंद हुई है केवल दिल्ली के अंदर। 3 करोड़ लोगों की रोजगार छीन लिए गए इस जीएसटी और नोटबंदी के माध्यम से, 3 करोड़ लोगों की। और अब कह रहे आंकड़े नहीं है, अरे जुमलेबाज, तुम्हारे पास आंकड़े कहां से होंगे? फेंकने के लिए तुम्हारे पास तो आंकड़े होंगे। आगरा का ताजमहल मांग रहे हैं क्या हम? पेरिस का एफिल टावर मांग रहे हैं? हम इतना ही कह रहे हैं ना भाई कि रोजगार दो, तो क्यों नहीं दे रहे? हम कह रहे रोजगार दो, वो कह रहे गाय माता रख लो। हर बात में बीच में गाय की पूंछ लेकर आते हैं। कितना सिंपल है, मैं आपको बोलता हूं, अभी गिनवा सकता हूं। उनके पास डेटा नहीं, हमारे पास डेटा है। पत्रकार साथियों लिखिएगा, इस वक्त मोदी जी चाहे तो कलम के एक झटके के जरिए 16 लाख प्राइमरी और अपर प्राइमरी के टीचर्स की नौकरी में भर्ती कर सकते हैं, 16 लाख। 4 लाख रेलवे के एम्प्लॉयज की भर्ती कर सकते हैं और 5 लाख सब सेंटर, पीएचसी, सीएचसी और डिस्ट्रिक्ट अस्पतालों में डॉक्टर्स की भर्ती कर सकते हैं। ये रहा 26 लाख का आंकड़ा, रेडी कीजिए ना। आप कॉम्पिटेंट नहीं है प्रधानमंत्री जी, नो इश्यू। आपके पास टैलेंट नहीं है, नहीं आता है, कोई बात नहीं। 100 दिन का नरेगा है ना, 300 दिन का कर दीजिए। चलिए, कौन सा रॉकेट साइंस है इसमें भाई, कर दीजिए ना। ये 25 लाख जॉब्स जो वैकेंट पड़े हैं उनको क्यों नहीं भर रहे? आपको नहीं भरना है, आपकी नीयत में खोट है। आपका दिल इस मुल्क के किसान, मजदूर, दलित, आदिवासी, महिला या युवा के लिए नहीं, सिर्फ और सिर्फ चंद पूंजीपति, अदानी और अंबानी जैसे लोगों के लिए ही धड़कता है। किसानों का कर्जा माफ करने को तैयार नहीं, लेकिन कॉरपोरेट कंपनियों का 5 करोड़ 29 लाख रुपया माफ किया, वाह। 5,29,000 करोड़ किनका कर्जा माफ किया? जो 27 मंजिला बिल्डिंग में रहते हैं, जो ऑलरेडी अरबपति है, लेकिन जो दलित गटर में उतर कर मर रहा है, उसको देने के लिए मुआवजे का एक पैसा नहीं है। ये भी है गुजरात का। 28 लोगों की गाय के नाम पे हत्या कर दी। ऊना के वक्त कहा था नट सम्राट ऑफ द नेशन के अंदाज में, हम कर्नाटका जाते हैं तो वो साथी प्रकाश राज के साथ बहुत बार स्टेज शेयर करते हैं, लेकिन मैं कहता हूं आप कितने भी टैलेंटेड क्यों नहीं रहे, हमारे मोदी जी को नाट्य शास्त्र में बीट नहीं कर पाएंगे। उनके वक्त कहा था कि मारना है तो मुझे मारो, मेरे दलित भाइयों को मत मारो। हमारा ये कहना है भाई तुमको भी कोई क्यों मारे, अच्छा काम करो ना। लेकिन 28 लोगों की 29 लोगों की गाय के नाम पे हत्या कर दी गई। घर वापसी, लव जिहाद, गाय माता, ये बात तब आती है
जब रोटी कपड़ा और मकान की बात हम खड़ी करते हैं। दो करोड़ रोजगार नहीं देंगे, पकौड़े बेचो, क्या कह रहे थे, पकौड़े बेचो। लालजी भाई गलत है तो हमको कहिएगा, पिछले 8 दिन के दौरान अहमदाबाद शहर में पकौड़े बेचने वाले ठेले वाले 40,000 लोगों को बेरोजगार किया है और ये कह रहा है पकौड़े बेचो। पकौड़े वाले भी सलामत नहीं, 1,10,000 करोड़ बुलेट ट्रेन का बजट है। बनारस और बनारस के इर्द गिर्द से हजारों की तादाद में मजदूर बंबई और सूरत जाते हैं, उनके लिए ढंग की ट्रेन का इंतजाम करो, तुम्हारा बुलेट ट्रेन फाड़ में गया। इस मुल्क में हर रोज 4,500 बच्चे भूखमरी में मरते हैं, भूखमरी में। दो वक्त की रोटी नहीं, तुम्हारी बुलेट ट्रेन को क्या चाटेंगे हम। 60,000 करोड़ का बजट था और उसमें दूसरा 50,000 करोड़ का बजट ऐड कर दिया, ये स्कैम नहीं तो क्या है? कहां से आता है इतना पैसा, किसका पैसा है, कौन तय करेगा? वी द पीपल विल डिसाइड, हम जनता तय करेगी। हमको पहले रोटी चाहिए, कपड़ा चाहिए, मकान चाहिए, शिक्षा चाहिए, चिकित्सा चाहिए, बुलेट ट्रेन नहीं चाहिए। बनारस की जनता के लिए कितना रोजगार खड़ा किया हमको पूछना है मोदी जी से। चलिए स्वच्छता का अभियान चलाते हैं। भाइयों बहनों, मां गंगा ने बुलाया है। बनारस में मोदी जी आपकी हालत कितनी पतली है हमको मालूम है, कि जो कह रहे थे ना आपकी मां गंगा ने बुलाया है, मां साबरमती वापस बुला रही है तुमको। और अडवाणी जी की सीट पर प्रोस्पेक्ट चेक कर रहे हैं अभी मोदी जी इस वक्त, मां गंगा ने बुलाया है, मां साबरमती वापस बुला रही है। गंगा मैया को साफ करेंगे, क्यों कि साबरमती को साफ करके आए। अभी केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार का रिपोर्ट आया कि गुजरात की सबसे ज्यादा प्रदूषित नदियों में नंबर वन है साबरमती। बोलो साबरमती मैया की जय। चाइना का एक रिकॉर्ड हुआ करता था, मोदी जी ने ब्रेक कर दिया। दुनिया के सबसे प्रदूषित जो 15 सिटीज है उसमें से 13 भारतवर्ष में है, ये भी गुजरात मॉडल की देन है। इसमें तीसरा नंबर है बनारस का, कहिए ना गलत कह रहे हैं। सही कह रहे हैं, कोई फेंका नहीं है ना हमने, वैसे भी वो हमारा स्पेशलाइजेशन नहीं है। तो गंगा की सफाई की बात कर रहे थे, ये दावा करते हुए कि साबरमती को साफ किया, और भारत पे राज करने की बात कर रहे थे, ये कहते हुए कि गुजरात का विकास किया। 45% बच्चे आज भी गुजरात में कुपोषित है इस वक्त। तो कुपोषित कोई कब रहता है, जब दो वक्त की रोटी नहीं होती तो कुपोषित रहता है भाई, तो काहे का विकास हुआ भाई। राजस्थान, यूपी, हरियाणा और एमपी, इन 4 स्टेट के अंदर भारत बंद के कॉल के दौरान कम से कम 6,000 से ज्यादा दलितों के ऊपर फर्जी मुकदमे दर्ज किए गए। यह है मोदी जी का अंबेडकर भक्ति। 6,000 इस वक्त एमपी और राजस्थान की जेल में कम से कम 150 से ज्यादा दलित और आदिवासी बंद है इस वक्त।
कैसे एफआईआर दर्ज होता है 113 प्लस अन्य, ये अन्य में कौन है जो 14 अप्रैल मनाते हैं, जो 9 अगस्त मनाते हैं, जो रैलियों में जाते हैं, जो मूवमेंट में शरीक होते हैं, उन सबका लिस्ट निकाल निकाल कर उस अन्य में डाल डाले। दलित और आदिवासी समुदाय के वो गवर्नमेंट ऑफिशियल्स जो थोड़ा बहुत चंदा देते हैं पोस्टर और पत्रिका छपवाने का, उनके नाम भी एफआईआर में डाले हैं। यहां पर 1200 एनकाउंटर करके बैठे हैं, बनाना रिपब्लिक बना दिया है यूपी को। योगी आदित्यनाथ स्टन स्टेट ऑफ यूपी, इनको अब बनाना रिपब्लिक। इट्स एन एब्सोल्यूट जंगल राज। पुलिस की हिम्मत कैसे हो सकती है किसी भी व्यक्ति के ऊपर गोली मारने का? पुलिस का अधिकार नहीं। 1200-1500 लोगों के एनकाउंटर, यकीन नहीं आता जब कोई आंकड़ा पेश करता है, झूठ लगता है। कानून और संविधान के ऐसे धजिया इस वक्त यूपी में जितने उड़ रहे हैं इतने भारत के किसी कोने में नहीं उड़े। जिसने आउट ऑफ वे जाकर उन बच्चों को ऑक्सीजन प्रोवाइड करने की कोशिश की, उस डॉक्टर कफील को आपने जेल में डाला है। योगी जी, चोरों के अंदर भी कुछ तो जमीर होता है। डॉक्टर कफील का कसूर क्या है कि बच्चों को बचाने की कोशिश की? तुम्हारे पास कॉरपोरेट कंपनियों का टैक्स माफ करने के लिए 5,29,000 करोड़ है, लेकिन बच्चों के ऑक्सीजन के सिलेंडर के लिए साला 50 लाख नहीं। ये भी गुजरात का है। लेकिन आखिर में सिर्फ इतना कहकर मेरी बात को खत्म करूंगा कि आपको किसी भी दूसरे बुद्धिजीवी या एक्टिविस्ट साथी से एक से ज्यादा मसलों पर कितना भी आइडियोलॉजिकल प्रॉब्लम है, चुनावी राजनीति के अखाड़े में जितनी भी मेनस्ट्रीम की पॉलिटिकल पार्टियां हैं उनसे कितने भी मतभेद हैं, यदि इन फांसीवादी ताकतों को रोकना है तो इन सारे लोगों को एक होना। कबीर आज हमारे बीच में होते वो यही कहते, हमारे ऊपर हिंसा भड़काने के, प्रोवोकेटिव स्पीचेस देने के मुकदमे दर्ज हुए हैं 3-4। राजस्थान के 5 डिस्ट्रिक्ट्स में हमारी एंट्री को प्रोहिबिट कर दिया कि भाई साहब यहां पर आप आ ही नहीं सकते। तो बढ़िया है भाई, इस मुल्क में 4,500-5,000 एमएलए हैं, उनमें से किसी के ऊपर नहीं, हमारे ऊपर प्रोहिबिटरी ऑर्डर। लेकिन आपको कहेंगे कि हमारा चुनाव चिन्ह था सिलाई मशीन, और हम कहते थे हम तोड़ने की नहीं जोड़ने की बात करने के लिए आए हैं। और कबीर जी ने भी यही कहा है, धागे से धागा पिरोया जाए, जीनी रे जीनी चदरिया। और मोदी जी, तुमने तो टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज का बंबू लगा दिया। गलत कहा है, बनारसी साड़ी की भी हालत खराब है। खराब है ना, ये बहन जी ने हाथ तुरंत खड़ा किया। तो सिर्फ जिनको इतना घमंड चढ़ा हुआ है, जो गौरी लंकेश की हत्या के बाद मृत गौरी लंकेश को मां बहन की अश्लील गाली देने वाले लोगों को इस मुल्क के प्रधानमंत्री जी कपड़े उतारकर बेशर्मी के साथ
ट्विटर पर आज भी फॉलो कर रहे हैं, सेम। एक महिला पत्रकार जिसकी हत्या कर दी गई, उसको कुछ संगी गुंडे मामेन की गाली दे रहे हैं, वो जो मामेन की गाली दे रहे उनको मोदी जी ट्विटर पर फॉलो कर रहे हैं। क्या संस्कृति होगी सावरकर और खोलकर की, वाह। तो ये जो सत्ता का घमंड चढ़ा है उनको, उसके खिलाफ हम सारे वो लोग एक हो जाए। और कबीर जी की एक पंक्ति सुनाकर हमारी बात को खत्म करेंगे। और हां, ये हम कहना नहीं भूलेंगे कि गुजरात के अंदर आज 9 अगस्त आदिवासी दिन है, जो हमारे डीएनटी समाज के लोग, जो नोटिफाइड ट्राइब्स के साथ, ऐसे 200 लोगों को घर के अंदर घुसकर पुलिस ने मारा। 17 साल की दक्षिण बजरंग के नाम के हमारे एक साथी, जिन्होंने समीर नाम का फिल्म बनाया, बॉलीवुड के डायरेक्टर वहां पर रहते हैं, उनकी 17 साल की सांस के मुंह के ऊपर मुक्का मारकर उनका मुंह तोड़ दिया। एक भी मामले में ऑफेंस दर्ज नहीं हो रहा। तो यहां के जो डीएनटी समुदाय के भाई बहन हैं, उन सबको भी अपील है 2019 में उनको मजा चखाया जाए, योगी को और मोदी दोनों को। और जिस प्रकार से इस मुल्क की 125 करोड़ जनता को, किसान को, मजदूर को, महिला को, माइनॉरिटीज को मोदी जी ने लताड़ा है, प्रताड़ित किया, यही बात कहकर हमारी बात को खत्म करेंगे कि माटी कहे कुम्हार से, तू क्या रोंदे मोहे, एक दिन ऐसा आएगा मैं रोंदूंगी तोहे। जय भीम, इंकलाब जिंदाबाद।